प्रतिबद्धता के लिए जाने जाने वाले गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और चाणक्य की बुद्धि के लिए जाने जाने वाले अमित शाह ने तोड़ दी है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का कर दिया है जीना हराम। और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश को चल दी है ऐसी चाल कि कहीं ना कहीं मुश्किलात में आ सकती है समाजवादी पार्टी, या फिर यूं कहें कि आ गई है समाजवादी पार्टी। नमस्कार, मैं हूँ गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। बीजेपी ने बड़ा गेम खेला है और जाहिर सी बात है कि धारा 370 पर जिस तरह से बीजेपी के लिए अब देश में जश्न का माहौल है, हर तरफ अमित शाह मोदी सरकार की तारीफें हो रही हैं, सब कह रहे हैं मोदी सरकार ने बहुत बेहतर कदम उठाया है। इसी बीच समाजवादी पार्टी को लेकर जो खबर आई है उसको लेकर बस मैं इतना कहूँगी कि एक अनार और 100 बीमार। जाहिर सी बात है क्योंकि जिस तरह से अभी हाल ही में 2 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी का दामन छोड़कर सपा का दामन छोड़ा है और बीजेपी में शामिल हुए हैं, भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का दोनों नेताओं ने दामन थामा है। अब इसी बीच 2 और नेता जो है छोड़ने के लिए तैयार है समाजवादी पार्टी। और इस वक्त अगर आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में 47 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, यानी कुल मिलाकर 1 सीट ही हासिल हो सकती है सपा को। अभी 1 सीट के लिए ही सपा में कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, यानी कि बहुत से नामों की लिस्ट सामने आ रही है, लेकिन 1 सीट वो किस किस को बांटेंगे। अब इसी बीच जिस तरह से कुछ लोगों का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि अब शायद उनकी सपा में पूछ उतनी नहीं रहेगी, तो उन्होंने सीधे बीजेपी का रुख कर लिया है। अब सपा के नेताओं का बीजेपी में शामिल होना वाकई बता रहा है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के नेतृत्व से दिक्कत हो रही है नेताओं को। आपको मैं बता दूं पार्टी केवल 1 राज्यसभा सीट ही हासिल करने की स्थिति में है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 47 सीटें हैं विधानसभा में, लेकिन यादव परिवार समेत पार्टी के आधा दर्जन से ज़्यादा बड़े नेता इस सीट के लिए लाइन में हैं। ऐसे में सपा के कुनबे में खास तौर पर राज्यसभा में समाजवादी सांसदों में पार्टी को छोड़ने की होड़ मच गई है और जल्द ही 2 नाम और जुड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। और इसमें नाम है सुखराम सिंह यादव का और विशंबर प्रसाद निषाद के नाम की चर्चाएँ सबसे ज़्यादा जोरों पर हैं। कानपुर और बांदा के इन खाटी समाजवादी नेताओं को सपा संरक्षक मुलायम सिंह का सबसे चहीता माना जाता है, लेकिन ये लोग अखिलेश यादव के नेतृत्व से नाखुश बताए जा रहे हैं और इसीलिए अब ये इन नेताओं ने ये ठान लिया है कि वो समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देंगे और भाजपा में शामिल होंगे। और ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि दोनों नेताओं की दिल्ली में भगवा ब्रिगेड के आला नेताओं से कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं। और आपको बताती हूँ राज्यसभा का खाका क्या है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में इस भगदड़ की वजह यह है कि प्रदेश विधानसभा में भाजपा खासी मजबूत स्थिति में है। 2020 में 10 में से 9 सीट पर भाजपा पार्टी खासी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि सीटें खाली हो रही हैं। और इसके अलावा 2022 में होने वाली 12 सीटों में से भी पार्टी 11 को जिताने की स्थिति में है, जबकि पहली यूपी से भाजपा का प्रतिनिधित्व केवल गिनती की सीटों पर ही था। और बात करें अगर समाजवादी पार्टी की, तो सिर्फ 5 सांसद बने हैं इस बार लोकसभा चुनाव में, और ऐसे में बड़े पैमाने पर अब नेताओं का जो है पलायन हो रहा है। और यूपी से राज्यसभा के 31 सदस्य हैं, इससे पहले 14 सपा से थे, लेकिन अमर सिंह से शुरू हुए पलायन के बाद से सपा के सांसदों की संख्या लगातार अब कम हो रही है। और जिस तरह से समाजवादी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर ने उन्होंने दामन थाम लिया बीजेपी का, उससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि जो है समाजवादी पार्टी अब टूट की कगार पर आ रही है, क्योंकि बड़े बड़े नेता जो हैं सपा छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। अब पार्टी में अब केवल 10 सदस्य बचे हैं, 2 और सदस्य अगर जाते हैं तो पार्टी का कुनबा घटकर गिनती के 8 सांसदों का रह जाएगा। और 2022 तक पार्टी से राज्यसभा के सांसदों की लंबी वेटिंग लिस्ट जो है वो हो सकती है। इसमें रामगोपाल यादव, बेनी प्रसाद वर्मा, तजीन फातिमा और रेवती रमन सिंह पहले ही शामिल हैं। इसके अलावा यादव परिवार से पत्नी डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव भी हैं, यानी कुल मिलाकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें कम की बजाय और बढ़ती जा रही हैं। और आपको मैं बता दूँ कि अभी हाल ही में सुरेंद्र नागर और संजय सेठ ने भाजपा का दामन थामा है और उन्होंने उच्च सदन यानी कि राज्यसभा से इस्तीफा दिया, और इसके बाद उनके भाजपा में जाने की अटकलें बढ़ गई थी और उन्होंने फाइनली भाजपा ज्वाइन कर ली है। और राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की ताकत अब 11 से 9 हो गई है, 2 और जाते हैं तो समझिए 9 में से 2 जाते हैं तो 7 सांसद बचेंगे, और जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो मजबूत स्थिति में आ रही है और समाजवादी पार्टी जो है कमज़ोर स्थिति में आ रही है। कुल मिला के अखिलेश यादव के नेतृत्व से नाराज बताए जा रहे हैं सभी नेता जो छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं अमित शाह का दिमाग काम कर रहा है उत्तर प्रदेश को लेकर भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों में 12 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और राज्यसभा का जब इलेक्शन होगा तो जाहिर सी बात है कि कुल मिलाकर सपा का बंटाधारी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति में बीजेपी है। तो ऐसे में कुल मिलाकर अब अखिलेश यादव इस जोड़ का तोड़ कैसे निकालते हैं वो फिलहाल देखने वाली बात होगी। नमस्कार।